योग दिवस को आज फरीदाबाद हरियाणा में ही नहीं बल्कि पूरा देश बड़े धूमधाम से मना रहा है। इसी कड़ी में आजादी के अमृत महोत्सव की श्रृंखला में 8वें योग दिवस का आयोजन 21 जून को सुबह स्थानीय खेल परिसर सेक्टर 12 में किया गया। इसमें विधानसभा के उपाध्यक्ष रणवीर सिंह गंगवा मुख्य अतिथि तथा विधायक सीमा त्रिखा, विधायक नरेंद्र गुप्ता, विधायक नयनपाल रावत, विधायक राजेश नागर, हरियाणा राज्य महिला आयोग चेयरपर्सन रेणु भाटिया ने विशिष्ट अतिथि के रूप में शिरकत की और 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विधिवत दीप प्रज्वलित कर शुरुआत की। इस मौके पर सभी ने योग किया। इस अवसर पर विधानसभा के उपाध्यक्ष रणवीर सिंह गंगवा ने कहा कि योग हमारे शरीर के लिए काफी लाभदायक है, इससे कई बीमारियां दूर रहती हैं और हर व्यक्ति को प्रतिदिन व्यायाम और योग करना चाहिए। हम कितने भी तनाव में हों, कुछ ही मिनट का योग हमारी पॉजिटिविटी और प्रोडक्टिविटी को बढ़ा देता है। जिन्होंने योग का प्रचार पूरे विश्व में कराने का काम किया, निश्चित रूप से योग करने से बहुत से रोग दूर हो जाते हैं और नियमित अगर हम जीवन के अंदर योग करें तो हम स्वस्थ रहेंगे और प्रसन्नचित्त रहेंगे। इसके लिए हमें जीवन के अंदर योग को ज़रूर अपनाना चाहिए। प्रदेश सरकार ने भी आदरणीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में आज पूरे प्रदेश के अंदर ब्लॉक स्तर पर भी एक जगह पर गाँव लेवल पर भी योग दिवस जो है मनाया जा रहा है हमारा आयुष विभाग की तरफ से, और योग आयोग का भी गठन करने का काम हरियाणा प्रदेश में किया है ताकि योग को बढ़ावा दिया जा सके। और आज उसी का परिणाम है कि हम कहीं भी अगर जाएं तो लोगों के अंदर एक अवेयरनेस आई है। पार्कों के अंदर मॉर्निंग हेल्थ क्लब लोगों ने बनाए हैं और इसी तरीके से अगर गाँव के अंदर भी आप जाएंगे तो आपको बहुत से बच्चे योग करते हुए निश्चित रूप से स्ट्रेस को दूर करने के लिए एक दूसरे काम में के लिए और ज़्यादा ताकत से हम काम कर सके, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए योग बहुत ज़रूरी है। योग करेंगे तो निश्चित रूप से स्वस्थ भी रहेंगे और काम करने की क्षमता भी हमारी बढ़ती है।